अच्छा, आज बहुत वक्त के बाद पुराने व्लॉग को शुरू करने का मन कर रहा है, दैट वी व्लॉग, जिसमें जस्ट विचार होते हैं, क्यू एन ए सेशन होता है, सिनेमाटोग्राफी होती है और कात्या होता है। तो शुरू करें, पर उससे पहले चाय। वेल, हेलो देयर, हाय, माय नेम इज आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, कर ही दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब जस्ट विचार से बात की शुरुआत करते हैं, जिसमें बात है डेथ की, हमारी डेथ की। सो रिसेंटली मिर्ची अर्जेंट हुआ, जिसमें एक पार्टिसिपेंट ने कहीं से पढ़ी हुई फिलोसॉफी मेरे साथ शेयर की थी, जिसका मेरा वाला वर्जन यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब जब एक इंसान का आखिरी वक्त चल रहा होता है, मंजे उसके उसका दिया बुझने वाला होता है, तब बिल्कुल 7 मिनट के पहले एक फ्लैशबैक मूवी उसकी आंखों के सामने चलती है। जन्म से लेके अब तक, सुख से लेके दर्द तक, हर वो बात उस 7 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड में चलती है, जिसमें दो में से कोई एक ही रिजल्ट होता है, या तो हाश या तो काश। हाश इज अ गुजराती वर्ड जिसको हम सेटिस्फेक्शन की सेंस में लेंगे, कि हाश, मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा किया, या फिर मेरी जिंदगी अच्छी गुजरी, या फिर काश कि काश मैंने जिंदगी अच्छे से जी होती, काश ये अफसोस वाला फेज ना आया होता, या काश वो काश ना किया होता वो। सो दोनों में से कोई भी एक बात ये 7 मिनट के फ्लैशबैक के बाद एंड में आती है, या तो काश या तो हाश। सो आज का जस्ट विचार ये है कि जब तक आपकी लाइफ की वो 7 मिनट, वो आखिरी 7 मिनट नहीं आती, तब तक आपको लाइफ के हर फेज में, आई रिपीट, हर फेज में यही सोचना है कि क्या इस फेज को मैं आखिरी 7 मिनट वाले लम्हों में फीचर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर इसको डिलीट करना चाहती हूँ। क्या आप यही दर्द, यही आंसू, यही इंतजार, खुद पे किया वार, यही सब देखना चाहते हैं, या फिर इन सभी फेजेस को पलट के कुछ करने का ट्राई किया, हार नहीं मानी, उसकी खुशी देखना चाहते हैं? काश या हाश, चॉइस इज योर्स। ऑलराइट, अब चलते हैं क्यू एन ए की तरफ। बट वेट, कैमरे पे कुछ रंग लग गया है। ऑल राइट, नाउ इट्स टाइम फॉर क्यू एन ए, जिसमें बात करनी है, हेलो जल्दी आ जाओ, हाँ, सो उसमें बात करनी है भाव खाने की, कि लोगों को इम्पोर्टेंस देने के बाद ही वो इतना भाव क्यों खाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, भाव खाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो कि जो पैदा हुए तब से कोई अलग ही टशन में है, बाजा फाड़ अटेंशन मिलने की वजह से, या फिर उस आदत की वजह से हर जगह हर बात पे वो भाव खाते हैं, जिसे कुछ लोग एटीट्यूड भी कहते हैं। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है उसको, लाइक दैट। दूसरे, जिनको कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं मिला है और अंदर ही अंदर उन्होंने इग्नोरेंस का गुस्सा भर के रखा है कि लोग मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हैं, वो ये लोग ऐसे हैं कि जिनको जैसे ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिलता है तो थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। पर जब उसी बात का अतिरेक हो जाए, या फिर अपने आप को कुछ ज्यादा ही हो हो मुझे इंपॉर्टेंस मिल गया वो ज्यादा फील करने लगे, तो ये हवा में उड़ने लगते हैं और फिर सामने वाले को नीचा दिखाते हैं, भाव खाते हैं। ऑल्सो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ लग्जरीज वैसी होती है और सामने वाले के पास नहीं होती है, तो वो कंपैरिजन की वजह से वो अपने आप को बड़ा मानते हैं और फिर ऐसे नीची नजरों से देखते हैं, वो लोग भी बहुत भाव खाते हैं। अब ये लोग इंपॉर्टेंस मिलने के बाद इतना भाव क्यों खाते हैं, उसका कारण बहुत सिंपल है, उनको पता चल गया है कि आपका अटेंशन, आपका टाइम और आपका इंपॉर्टेंस उनको मांगे या बिना मांगे ऐसे ही मिल रहा है। एंड बाय द वे, आपके जैसा या आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले सिर्फ आप नहीं हो, ऐसे झंडू को इंपॉर्टेंस देने वाले बहुत सारे लोग हैं। सो ये लोग आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि आप हो या ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी इग्नोरेंस या सो कॉल्ड एटीट्यूड की वजह से हमारे मन में ये सवाल आता है कि किस बात का इतना भाव खा रहा है या खा रही है। तो पहले ये सवाल आता है, फिर अगेन वो इग्नोर करते हैं तो आपको गुस्सा आता है, फिर थोड़ा सा अटेंशन उनकी तरफ से आपको मिल जाता है तो आप शांत हो जाते हैं, पर वो इग्नोर तो करते ही है। ऐसा करते करते हम चाहते या ना चाहते हुए भी उनके पीछे भागने लगते हैं, और जैसे ही उनको पता चल जाता है कि आप इमोशनली वीक हो और उनके पीछे भाग रहे हो, वो आपको ज्यादा परेशान करते हैं। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स और सिंपल डेफिनेशन ऑफ भाव खाने वाले लोग। अब ऐसे लोगों का बहुत सिंपल सोल्यूशन है, अगर वो इंसान सही है, अच्छा है, फिर भी ऐसा कर रहा है, तो उसको बिठाओ और बोलो कि माप मारे जे बका, मंजे कट द क्रैप एंड बी रियल इन फ्रंट ऑफ मी। ये माइंड गेम्स दूसरों के साथ में खेलना हो तो खेलना, मेरे सामने मत खेलना, क्योंकि ये बहुत हो गया है, ऐसा उसको मुंह पे बोल दो, या फिर उस इंसान को छोड़ दो,
अफकोर्स वो इंसान पसंदीदा है, पर कितना लंबा खींचोगे बे? आपको ये बात रियलाइज नहीं हो रही है कि आपके 99.99% अटेंशन के सामने अगर वो आपको 1% भी अटेंशन देता है तो आपको ऐसा फील होता है कि ओ माय गॉड, गंगा नाए गजब। पर इतना समझ लो कि ये गंगा अब पॉल्यूटेड हो चुकी है। सो जितना जल्दी हो सके उतना ऐसे लोगों से इमोशनली अटैच होना बंद करो। ये बात जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है, वरना बीमार पड़ जाओगे इस गंदी नाली से जिसको आप गंगा समझ रहे हो। सो जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। टेक केयर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेट 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 वेट, 50 बार तो इसको ठीक करना पड़ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अगर आप यहाँ पे नए हैं तो, एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके साथ साथ कॉमेंट में ये बताइए कि लोग भाव क्यों खाते हैं। That is QOTD, question of the day. लोग भाव क्यों खाते हैं, आपको क्यों लगता है, या फिर आपको क्या लगता है उसके बारे में मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। I'll see you in the next video. Keep मुस्कुराना। Bye bye. कैसन भाई? Okay, हाँ मधिक चकड़ी, जग 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 जग, give me high five, awesome.